हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन टॉपिक्स के ऊपर। पहला कि जिसको आप अभी तक बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, जिसका कि फाइनल रैंक लिस्ट कब आएगा भैया, एक महीना से ऊपर हो गया। देन दूसरा कि क्या ICR 5 राउंड्स में होगा, ICR का जो भी काउंसलिंग है वो क्या 5 राउंड्स में होगा। इससे रिलेटेड मेरे को डेली मैसेजेज आ रहा है कि भैया 5 राउंड्स में होगा या नहीं। देन तीसरा आपका BHU और हिसार यूनिवर्सिटी का क्या फीस स्ट्रक्चर है, जिससे आप एक बार आपको आइडिया लग जाए। मैंने अभी ऑलरेडी 2 वीडियो और पहले बना चुका हूँ फीस स्ट्रक्चर पर, आप जाके देख सकते हो। मैंने उसमें 6 यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया, 2 यूनिवर्सिटीज़ वीडियो में कवर करूँगा। चलो, और हाँ, आज एक लाइव सेशन होगा आपका यूट्यूब पे और एक आपका होगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे भी आप मेरे से जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे कि आपको काउंसलिंग हो, अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो चॉइस फिलिंग करने में। सबसे पहले आप देखो, जो मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि फाइनल रैंक लिस्ट कब आएगा। देखो, अभी जैसे कि मेरा भी अब सेशन सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, तो मेरे को भी 1 मंथ का गैप मिला हुआ है। तो मैं भी इस 1 मंथ के गैप में आपका ICR का काउंसलिंग पूरा प्रोसीड होगा। देन अभी जस्ट जो अभी आपका नवंबर, ये जो फर्स्ट भी अभी जो ये वीक स्टार्ट हुआ है, इस वीक में आपका डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर उससे लेट करेगा तो ICR को फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा काउंसलिंग में, फिर आपका सेशन डिले होगा। इसलिए ICR के ऊपर भी एक प्रेशर बना हुआ है कि वो जल्दी से जल्दी अपना रैंक कार्ड रिलीज करे, जिससे कि आगे भी आपका फर्दर प्रोसेस हो चुके। और देन उसके लिए अब संबंध बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया कहाँ देखना है, तो ठीक है, ICRexam.net, ये आपका, इस पर आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा। देन इस पर आपका रैंक लिस्ट आएगा, तो इस पर आप विजिट करते रहें। और अगर आप बार बार आप विजिट करके परेशान हो तो ज़्यादा परेशान मत रहो, आपको जैसे आएगा तो आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बता दिया जाएगा क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। देन सेकेंड, अब 5 राउंड्स के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है कि आप भैया 5 राउंड्स में, तो देखो अभी कोई ICR ने कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है, कोई भी नोटिस रिलीज नहीं किया है कि ICR का 5 राउंड्स में होगा या नहीं। तो देखो, जो ऑलरेडी पहले चला हुआ कि फर्स्ट राउंड होता था, देन सेकेंड राउंड, देन थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड के टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता था, इसके साथ ही आपको चॉइस फिलिंग करना होता था, देन इसी में आपको सीट अलॉट होता था। देन ऐसे अगर आपको फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलॉट नहीं हुआ, देन सेकेंड राउंड, देन थर्ड राउंड। देन अगर इन तीनों राउंड्स में जब सीट वैकेंट बचता था, तो उसके लिए आपको कराया जाता था मोपअप राउंड। तो इनमें जब आपका ये ICR के अंदर होते हैं 4 राउंड्स। अभी कोई 5 राउंड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई ICR ने रिलीज़ किया है। देन उसके बाद में एक राउंड होता था स्पोर्ट काउंसलिंग। ये स्पोर्ट काउंसलिंग कब होता था, जब आपका 4 राउंड्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद में कुछ सीट्स वैकेंट बची, कुछ क्या, मोस्टली बहुत सीट्स वैकेंट बचता है। देन उसके बाद में ICR बोलता है यूनिवर्सिटीज से, सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ के जो बचा हुआ सीट्स है आपके अंदर, उनको आप अपने थ्रू कैसे भी फिल कीजिए। तो यूनिवर्सिटी जो अपने लेवल पर काउंसलिंग कराती है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग कराती है, उसको स्पोर्ट काउंसलिंग बोलते हैं। तो तब ICR का मॉपअप राउंड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही होती है। और ICR का जो स्कॉलरशिप होता है NTS नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, वो केवल मॉपअप राउंड तक वालों को ही मिलता है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग वालों को NTS नहीं मिलता है। तो आई होप आपको ये तो समझ आया होगा। और देन आपका रैंक कार्ड इस वीक में आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। और अभी जो आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी आप काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेजेस फिल करना है, किस कॉलेज का क्या रैंक तक गया है, किसका क्या फीस स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें थोड़ा सा, अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो। तो अभी हम बात करने वाले हैं BHU और जो आपकी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका क्या फीस स्ट्रक्चर है। क्योंकि आपको अभी अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे, आप रेंडमली चॉइस फिलिंग कर दो, भाई आपको तीनों राउंड्स में बस एक बार मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग करने का। इसलिए फीस स्ट्रक्चर को देख के, किसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, लास्ट ईयर किस पे मिला है, उसका रेटिंग क्या है कॉलेज का, उसका प्लेसमेंट कैसा है, सब कुछ देख के आप कॉलेजेस फिल करो, जिससे कि आप बाद में खुश रहो और आपको दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा यूनिवर्सिटी, आपका अच्छा परसेंटाइल, आपका 98-99 परसेंटाइल, आपने ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कर लिया जिसका 60K पर सेमेस्टर फी है, तो फिर तो दिक्कत क्रिएट होगा ना आपको। आपको मैं अभी बताने वाला हूँ BHU और हिसार यूनिवर्सिटी का क्या फीस स्ट्रक्चर है। अगर आपको काउंसलिंग का आइडिया नहीं है, तो आप ये नंबर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और आप हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपका कंप्लीट, आपको नहीं कहीं साइबर कैफे में जाने का जरूरत पड़ेगा, नहीं कहीं, और आपका कंप्लीट चॉइस फिलिंग करके, आपका पूरा कंप्लीट काउंसलिंग, जब तक आपको सीट नहीं मिल जाता वो सब कुछ करके दे दिया जाएगा। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन में भी हेल्प किया जाएगा,
आप कभी भी कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो, कभी भी जॉब का डाउट हो उसको भी क्लियर किया जाएगा। तो उसका कांटेक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आप पेमेंट है उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है, देन आपका जो भी स्कोर कार्ड है उसका आपको सेंड करना है, तब आप हमारे से कांटेक्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं हम BHU का, BHU का क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसके बाद में हम हिसार यूनिवर्सिटी का बात करेंगे। तो BHU का देखिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए है। देखिए इसमें लिख रखा कोर्स फी पर एनम, मतलब पूरा साल का आपका फ़ी है, 2 सेमेस्टर का आपका टोटल फ़ी कितना लगेगा वो यहाँ दिया हुआ है। सो देखिए इधर तो आपको BA BCOM ये तो आधार है, देखिए यहाँ दिखा हुआ है BSc एग्रीकल्चर, इसका देखिए 2266 2266 रुपीज़ आपका टोटल आपका एक साल का इसमें है। और इसमें PG कोर्सेज का आपको दे रखा है, आप देख सकते हो। देन उसके बाद में डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है और मास्टर कोर्सेज के लिए। तो आपको इसमें जानना था कि आपका BSc एग्रीकल्चर का कितना फ़ी लगता है, तो BSc एग्रीकल्चर का ये ऑफिशियल है जो उसने रिलीज़ कर रखा है, वो आपका 2266 रुपीज़ आपका BHU का फ़ी है। आपने देखा BHU का कितना कम फ़ी है, और आपने देखा होगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो उसका कितना फ़ी है, उसका कितना हाई फ़ी है। तो यही चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है काउंसलिंग में करते टाइम कि किस यूनिवर्सिटी का कितना फ़ी है, जिससे कि आप ऐसा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो जिसका फ़ी स्ट्रक्चर भी कम हो, उसमें फैसिलिटी भी अच्छा हो, इसलिए चॉइस बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब बात करते हैं हिसार यूनिवर्सिटी का क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। तो देखो अभी हिसार यूनिवर्सिटी का देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए आपका BSc ऑनर्स आपका देखिए फिशरीज़ और एग्रीकल्चर के लिए, देखिए जो दो तरह का जो हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर, जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उनको कितना पे करना, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनको कितना करना है। हॉस्टल के बॉयज़ के लिए देखिए 14,205 रुपीज़, गर्ल्स के लिए 13,200, मतलब 1,000 कम का डिफरेंस है। फिर उसमें 10,555 रुपये बॉयज़ के लिए जो हॉस्टल में नहीं रहते, गर्ल्स के लिए 9,000। तो आप देख सकते हो इधर कम्युनिटी साइंस जो कि हिसार यूनिवर्सिटी में केवल गर्ल्स के लिए वो कोर्स अलाउ है, तो उसमें गर्ल्स के लिए ही इसमें फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देन BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आप देख सकते हो फ़ी 18,505, ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जैसे आप एडमिशन आपको इसमें सीट अलॉट होता है तब आपको ये देना होता है। देन उसके बाद में आप MSc और MBA और PhD का भी देख सकते हो। देन कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है देखिए, सेमेस्टर वाइज आप देखिए सेमेस्टर वाइज चार्जेस आपको, जैसे कि आपका रूम रेंट इसमें देखिए आपका 50 रुपीज़, 300 रुपीज़। देन इलेक्ट्रिसिटी फंड आपका देखिए 1,500 रुपये है। और आपको ये देखिए नेक्स्ट सेमेस्टर वाइज आपको देखिए UG में एक्सेप्ट BTech को छोड़ के ट्यूशन फ़ी आपका कितना देखिए 1,000 रुपये आपका सबका लगता है। BTech का आपका देखिए BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का 4,500, इसमें BTech का फ़ी थोड़ा ज़्यादा है। और मास्टर डिग्री का भी 2,000 रुपये दे रखा है। देखिए नो ट्यूशन फ़ी फॉर वुमेन स्टूडेंट इन UG प्रोग्राम, UG प्रोग्राम के लिए जो भी आपका गर्ल्स हैं उनके लिए कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। एंड नो ट्यूशन फ़ी जो भी डिसेबल हैं, जो भी फिजिकली डिसेबल हैं उनके लिए भी कोई फ़ी नहीं है। नहीं देखिए नो ट्यूशन फ़ी विल बी चार्ज फ्रॉम अफगानी स्टूडेंट एडमिटेड अंडर द इंडिया अफगानिस्तान फेलोशिप प्रोग्राम टू पीरियड, उनके लिए भी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। सो आई होप आपको ये फ़ी समझ आया होगा कि कितना फ़ी आपका लगेगा। और आपके टाइम में एक होता है सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी मनी आपको कुछ देना होता है, वो सिक्योरिटी मनी आपको अपना अपना जो भी कोर्स है कंप्लीट करने के बाद आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा इसका फ़ी स्ट्रक्चर, की फ़ी स्ट्रक्चर कितना है। मैंने आपको BHU का बताया, देन आपको ये हिसार यूनिवर्सिटी का बताया। और मैंने आपको एक चीज़ और अच्छे से बताई है कि आप जब भी चॉइस फिलिंग करो तो उसमें ध्यान रखिएगा फ़ी स्ट्रक्चर का, क्योंकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। और कॉलेजेस को कैसे फिल करना है, किस सीक्वेंस में फिल करना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन से कॉलेजेस को आपको कैसे अपने प्रायोरिटी में रखना है। तो अभी की वीडियो में इतना ही। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक।